हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा जीके का पीरियड स्टार्ट हो चुका है। तो जीके में आज हम करेंगे चैप्टर 9 सीजन्स, पेज नंबर 14। देयर आर 3 मेन सीजन्स इन ए ईयर। एक साल में कितने सीजन्स होते हैं? 3, समर, मानसून, विंटर, यानी कि गर्मी, बारिश का मौसम और सर्दी। ये आपको पिक्चर्स दी हुई हैं। ए पार्ट कर रहे हैं हम। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, राइट द करेक्ट नंबर फॉर ईच पिक्चर। राइट नंबर, आपको पिक्चर्स दी हुई हैं। फर्स्ट गर्मी है तो उसके लिए आप नंबर 1 डालेंगे, मानसून बारिश हो रही है तो नंबर 2, सर्दी के लिए 3। अब यहाँ पे सर्दी वाला मौसम है तो नंबर 3 आ गया ना विंटर के लिए, यहाँ गर्मी है तो नंबर 1 आ गया समर के लिए, यहाँ बारिश हो रही है तो नंबर 2 मानसून के लिए, यहाँ भी बारिश हुई हुई है तो नंबर 2। इसको मतलब कि चाय पी रहे हैं तो हम सर्दियों में चाय मोस्टली पीते हैं तो 3। और ये देखिए फ्रीज खोल के खड़ा है, जैसे इसमें इस गर्मी का टाइम लग रहा है तो नंबर 1। अब इसको ठंड लग रही है, ये हीटर ऑन है ना, तो नंबर 3। यहाँ पे गर्मी है, बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, नंबर 1। ये मतलब फ्रॉग है, पानी के अंदर जा रहा है तो यहाँ बारिश हुई हुई है तो नंबर 2। नेक्स्ट पेज नंबर 15, बी पार्ट। इन विंटर, सर्दियों में इट इज़ कोल्ड एंड समटाइम्स इट्स स्नो। कभी बहुत ज़्यादा ठंड होती है और कभी बर्फ़ भी गिरती है। सर्कल द क्लोथ्स यू वियर इन विंटर। आपको सर्कल लगाना है आप इनमें से सर्दियों में क्या क्या डालते हैं, ठीक है। ग्लव्स डालते हैं, टी शर्ट, कोट, कैप, कोट, ठीक है। नेक्स्ट है सी पार्ट। इन द मानसून सीजन, बारिश के मौसम में, इट रेन्स, जब बारिश हो रही होती है, टिक द क्लोथ्स एंड थिंग्स यू यूज़ इन द मानसून। तो आप क्या क्या इनमें से बारिश के मौसम में यूज़ करते हैं, आप उन पर टिक करेंगे। अम्ब्रेला लेते हैं, टी शर्ट, फ्रॉक, शूज़, जो भी आप डालते हैं आप उन पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट डी पार्ट। आइडेंटिफाई द ईटेबल्स वी टेक इन विंटर। जो हम खाने की चीज़ें सर्दियों में यूज़ करते हैं, गर्मियों में यूज़ करते हैं, वो आपको बताना है विंटर में कौन सी और सर्दियों गर्मियों में कौन सी। तो फर्स्ट चाय हम विंटर में यूज़ करते हैं तो W आ जाएगा। आइसक्रीम हम समर में लेते हैं तो S आ जाएगा। मूंगफली हम कब खाते हैं? विंटर में ना। कोल्ड ड्रिंक हम समर में। एप्पल विंटर में होते हैं और मैंगो समर में होते हैं। तो ये पेज नंबर 14 एंड 15 कम्प्लीट हो गया आपका जीके का वर्क। सभी बच्चों ने अच्छे से करना है, साथ साथ लर्न भी किया करो कि जैसे कितने सीजन होते हैं या कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना छोटे छोटे, तो वो साथ के साथ सब लर्न किया करो। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।